बाअदब बामुलाइजा, होशियार, हिंदुस्तान में बिना बताए आपातकाल लगा दिया गया है। हुक्म जो होए जनाबे सुल्तान आलिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी का है, अमित शाह का है। जुबान से सच न निकले, कलम सच न लिखे। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसको चौराहे पर फांसी दे दी जाएगी। लोकतंत्र के नाम पर केवल ड्रामा किया जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की बुराई तो करते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जैसा कलेजा और इंदिरा गांधी जैसा कलेजा कहां से लाएंगे? मनमोहन सिंह जैसा कलेजा कहां से लाएंगे जिस मनमोहन सिंह को मोहन सिंह बोलते थे? दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। एक विदेशी ने फिर भारत की असमत पर हमला किया है, एक बार फिर भारत के गरेबान पर हाथ डाला है, एक बार फिर मोदी जी के गरेबान पर हाथ डाला है। वो विदेशी आदमी का नाम है एलन मस्क। जी हां, ये एलन मस्क वही है जिसने ट्विटर खरीद लिया। उसने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। ये देश की बदनामी है और रामराज की बदनामी है, जिस रामराज में चाटुकार, पत्रकार, न्यायपालिका और पुलिस और ईडी, आईडी, सीबीआई सब एक घाट का पानी पीते हैं, जिस घाट का नाम है मोदी गंगा घाट। जी हां, गंगा मोदी जी की मां है और मोदी गंगा घाट, और उसी घाट में सबको नहला नहला करके विपक्ष के करप्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन एलन मस्क ने जो किया वो वाकई बहुत कमाल का काम किया। कमाल का क्या, शर्मनाक काम किया। कमाल का तो मेरे मुंह से निकल गया। भगवान मेरी जुबान को लगाम दे, जुबान की अमान पाऊं तो बादशाह सलामत कुछ आगे बोलूं। बादशाह सलामत से बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, ये एलन मस्क नाम का आदमी आपकी जो है पूरी की पूरी मट्टी कर गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और आपकी सरकार को भी। पूरे विश्व में पोल खोल दी एलन मस्क ने। जो एलन मस्क जो है रोबोट बना रहा है, आर्मी बना रहा है, क्या आप उससे लड़ोगे? नहीं लड़ोगे, क्योंकि वो रोबोट है, रोबोट वाली है उसके पास। और हिंदुस्तान के पास भगवान राम जी के तीर है, भगवान राम का मंदिर है, तो फर्क है ना बहुत। तो भगवान राम जी तो अभी आएंगे नहीं, तो वो तो रोबोट से गोली चलवा देगा। खैर, एलन मस्क ने क्या बोला है? एलन मस्क ने बोला कि भाई केंद्र सरकार ने काफी सारे ट्विटर अकाउंट, जो कि अब एक्स अकाउंट बन चुका है, ब्लॉक करा दिए गए हैं, पोस्ट ब्लॉक करा दिए गए हैं, अकाउंट बंद करा दिए गए हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म, पुराना नाम ट्विटर, ने भारत सरकार के ऑर्डर के प्रति अपनी असहमति जाहिर की है। एक्स प्लेटफॉर्म के अकाउंट ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने पोस्ट करके बताया कि भारत सरकार के आदेश के बाद हमने कुछ अकाउंट और पोस्ट को ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन उसे ब्लॉक करने को लेकर हम असहमत हैं। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं कि एलन मस्क क्यों उखड़ गए और क्यों पछड़ गए। वो तो व्यापार करने आए थे। एक्स ट्विटर अगर बंद कर दिया, अगर हिंदुस्तान ने, मोदी सरकार ने अगर एक्स ट्विटर बंद कर दिया हिंदुस्तान में, तो घंटा फर्क पड़ेगा एलन मस्क पर? कुछ फर्क नहीं पड़ना भाई। खानदानी रईस है, पैसे कमाए अपने हिम्मत से, दलाली करके पैसे नहीं कमाए उस आदमी ने, है ना। अपने देश के लिए भी कुछ किया है एलन मस्क ने, और बहुत कुछ किया है। लेकिन ये आदमी बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म ने एक पोस्ट किया जिसमें बताया भारत सरकार ने हाल ही में एक्स प्लेटफॉर्म को कुछ अकाउंट और पोस्ट ब्लॉक करने के ऑर्डर दिए थे। एक्स ब्लॉक, एक्स ने इस आदेश को मानते हैं, उन अकाउंटों को एक्शन लिया गया है, लेकिन साथ ही हम अपनी असहमति इसमें दर्ज करते हैं। एक्स के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स पोस्ट किया है जिसमें बताया गया है कि भारत सरकार के आदेश के बाद, बता दिया ना कि अकाउंट हो गए हैं, और ट्विटर की पॉलिसी थोड़ी अलग थी जिसकी वजह से कई बार भारत सरकार और ट्विटर आमने सामने आ चुके थे। अब कंपनी के मालिक बदल गए, एलन मस्क हो गए, तो सरकार तो सच सुनना ही नहीं चाहती। तो क्यों ना माना जाए कि दोस्तों की इमरजेंसी लग चुकी है। सरकार के बारे में जो है झूठ 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 परोसा जाता है। राष्ट्रीय चैनलों पर जो खबरें बताई जाती हैं वो सेंसर्ड होती हैं सरकार के द्वारा। कई पत्रकारों के इस्तीफे हो गए, ये तो देश के सामने है। जिन जिन पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ कोई चीज डाली उनको घर का रास्ता दिखा दिया गया, उनका दमन किया गया, उनके बारे में बहुत सारी बातें हुई। ये आपातकाल नहीं है तो क्या है? एलन मस्क ने यह पहली बार बोला है। अगर किसी हिंदुस्तानी ने बोल दिया होता तो अब तक उसको देश का गद्दार और बहुत कुछ बोल दिया होता, लेकिन एलन मस्क जो है ना तो हिंदुस्तान में रहता है, तो आप उसे गद्दार भी नहीं कह सकते, आईएएस का एजेंट भी नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हो कि अमेरिका की साजिश है, चाइना की साजिश है हमें डाउन करने के लिए, क्योंकि आपका वही रहता है कि जो आप करती है मोदी सरकार वही बोलती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर हम देखें घटनाक्रमों को जिस तरह से आपातकाल बिना घोषित किए हुए लगाया गया देश में, उसकी बानगी देखिए आप। बानगी यह है कि किसानों पर बम बरसाए जा रहे हैं, उन्हें दिल्ली में रामलीला मैदान में प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। लोग ये बोल सकते हैं कि किसानों ने परेशान कर रखा है, पूरी दिल्ली को जाम कर रखा है, लेकिन ये पत्रकार सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठाते कि सरकार इनको रामलीला मैदान में जाने दे, बैरिकेडिंग और ये लगाने की जरूरत क्या है, ये नाटक कराने की जरूरत क्या है? क्या इतने डरपोक है प्रधानमंत्री मोदी जी जो विरोध की आवाज नहीं सुन सकते? जवाहरलाल नेहरू की बुराई तो करते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जैसा कलेजा और इंदिरा गांधी जैसा कलेजा कहां से लाएंगे? मनमोहन सिंह जैसा कलेजा कहां से लाएंगे जिस मनमोहन सिंह को मौन सिंह बोलते थे प्रधानमंत्री मोदी जी? और भारतीय जनता पार्टी पाठ पढ़ाने चले आती है हिंदुस्तान को। राहुल गांधी पर एक बार फिर आरोप लगाती है कि राहुल गांधी छुट्टी मना रहे थे जब 26/11 का हमला हुआ था, पार्टी में वो कर रहे थे। तो लोग बोलते हैं कि भैया पुलवामा हमले में प्रधानमंत्री मोदी भी तो अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करा रहे थे। तो इतनी बेशर्म मतलब हो चुकी है सरकार कि राहुल गांधी को समझती कि वो प्रधानमंत्री हैं, और वो प्रधानमंत्री जो है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मामला है, जबकि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे। मैं बात कर रहा था तानाशाही की। तानाशाही आप याद कीजिए कि किसी भी प्रदर्शन को बुरी तरह से दबाया गया। जहां पर विरोध के नाम पर मकान तोड़ दिए जाते हैं, जहां विरोध के नाम पर जिस देश में मतलब ऐसा बहुत कुछ किया जाता है कि जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में संभव है ही नहीं। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के शासन पर सवाल उठाती है एक नेता, अमेरिका की ही, बोलती के साहब वहां पर संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यहां ऐसा नहीं है तो क्या है? आपातकाल लग चुका है, ये तो मतलब सभी लोग मान चुके थे, लेकिन आपातकाल की पुष्टि आज एलन मस्क ने कर दी। आज सतपाल मलिक, आपातकाल नहीं तो क्या है, सतपाल मलिक जो सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे थे, जो किसानों के मसले में किसानों का साथ दे रहे थे, कई जगह प्राइवेट चैनलों को उन्होंने इंटरव्यू दिए और सरकार को क्रिटिसाइज किया, मोदी सरकार को क्रिटिसाइज किया, आज उनके ठिकानों पर सीबीआई के छापे मारे गए। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? तानाशाही से खबर है द हिंदुस्तान में छपी है, छपी तो अपने हिसाब किताब से होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पुश्तैनी घर पर भी सीबीआई की रेड हुई, संपत्ति का ब्यौरा जुटाया, उनके घर पर रेड मारी गई। सतपाल मलिक के बागपत में हिसावदा स्थित पैतृक मैदान पर गुरुवार की सुबह सीबीआई टीम पहुंची। टीम ने पूर्व राज्यपाल की संपत्ति का ब्यौरा जुटाया और पारिवारिक लोगों से पूछताछ की। सीबीआई टीम अभी भी सतपाल मलिक के पारिवारिक भाई के यहाँ डेरा जमाए हुए है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के हिसावदा गांव के रहने वाले हैं। हालांकि पिछले वर्षों से वे परिवार के साथ दिल्ली के आर.के. पुरम में रहते हैं। गुरुवार सुबह सीबीआई की गाजियाबाद शाखा की 5 सदस्यीय टीम सतपाल मलिक के पैतृक गांव पहुंची और वहां पूछताछ की और संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई। सतपाल मलिक जो सरकार पर किसानों को लेकर के आरोप लगा रहे थे कि अच्छी तरह वो बात नहीं सुन रही है, और एक न्यूज और आती है कि करीबियों पे ठिकाना मारा गया, और एक ट्वीट आता है सतपाल मलिक का जिसमें कहते हैं मैं पिछले 3-4 दिनों से बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों के छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, सतपाल मलिक ये बोलते हैं। अब देखिए साहब, सतपाल मलिक जो सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे थे, कई जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में उनको 300 करोड़ की ऑफर की गई थी रिश्वत, उसमें सवाल उठा रहे थे, उनको उनके घर पर मारे जा रहे हैं। अब देखिए साहब, ईवीएम के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। ईवीएम का राज खुल जाने का ऐसा डर क्या है प्रधानमंत्री मोदी को कि आज दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे ईवीएम में प्रदर्शन करने के लिए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ईवीएम के बारे में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पहले से चल रही हैं, तो सरकार को शंकाएं साफ करके बैलेट पेपर से चुनाव करा देने चाहिए। अगर इतने दूध के धुले हैं तो इसका पक्ष ईवीएम का क्यों लेते हैं मोदी जी और मोदी जी के भक्त? इतने मर्द हो, इतने मर्द के बच्चे हैं मोदी जी और मोदी जी के भक्त और मोदी जी के समर्थक, तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव होने दें। आर की आर, पार की पार चीज का डर है। ऐसा डरपोक आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, ऐसा डरपोक लीडर हिंदुस्तान का हो सकता है मैंने नहीं सोचा था। विश्व गुरु जिसको बोलते हैं वो इतना डरपोक हो सकता है, विश्व का सबसे डरपोक नेता, मैंने नहीं सोचा था। मेरी भी कुछ जो था बदलने लगी थी, लेकिन जब एलन मस्क ने लिखा कि भैया लोगों के कुछ ट्विटर हैंडल ये कर दिए जाएंगे, फिर देखा मैंने क्या किस तरह किसानों को आंदोलन करने से, मतलब दिल्ली में रामलीला मैदान जाने से रोका जा रहा है। यह बात दिल्ली वालों को नहीं बताई जा रही। राष्ट्रीय चैनल इसके उल्टा उलट बोल रहा है कि दिल्ली में शांति भंग करने के लिए आ रहे हैं, 1200 ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, क्या जरूरत है? अरे 1200 ट्रैक्टर भी लैंड हो जाएंगे वहां पे, खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे, भूख हड़ताल करने थोड़ी आ रहे हैं, धरना दे रहे आ रहे हैं, धरना दे दो, एक साल दो साल मन भर जाएगा, चले जाएंगे, जाने दो रामलीला मैदान में, तुम्हारा क्या बिगड़ता है प्रधानमंत्री मोदी जी? बाकी आपकी फोर्स सही कीले ठुकवा देना, रामलीला मैदान के आसपास टैंक खड़े करा देना किसानों के लिए। दोस्तों, जिस तरह से एलन मस्क का यहां पर ट्वीट आया, जो स्टोरी आई जिसमें लिखा गया कि भारत सरकार की वजह से मजबूर हैं लेकिन हम इसके साथ सहमति जाहिर नहीं करते, और उसके बाद ये रवैया हिंदुस्तान की सरकार का क्या लोकतंत्र नष्ट करने का इशारा नहीं है? हिंदुस्तान का मीडिया तो बोलेगा नहीं, वो तो गुलाम है कारपोरेट का, क्योंकि सरकार के साथ उसकी डीलिंग और उसके एड्स के ऊपर चलता है उसका व्यापार। तो सच्चे पत्रकार मर चुके हैं। मान लीजिए कल निकालिए एक मोर्चा मोमबत्ती लेकर के अपने हाथों में, और अंजना कश्यप की और ऐसे पत्रकारों की तस्वीरों पर श्रद्धांजलि देने जाइए कि मर चुके हैं ये लोग, मर चुकी है इनकी आंखों, मर चुके हैं इनका ज़मीर। आने वाले हिंदुस्तान की पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे इनके बच्चे? गद्दार कहे जाएंगे। अगर अब भी आंख ना खुली तो, और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़े कहे को बहुत समझना। मेरी चिट्ठी इतनी सी है मेरे मुल्क के नाम, मेरे मुल्क में रहने वाले मेरे हमवतन लोगों, मेरा ये पैगाम समझना, ये पैगाम तुम्हारे नाम था कि भारत माता को किसी ने किया था कैद जेल में, भारत माता को कैद किया था किसी ने जेल में, जकड़ दिया था लालच की जंजीरों में, बताया था कि राम की रस्सी है, राम का कलावा है। लेकिन इस धोखे से थोड़ा सा अलग हट के सोचना कि जब देश बर्बाद हुआ तब जिम्मेवार तुम भी थे कहीं ना कहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।